नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपांशन से है. द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट. ये जो एक्सपांशन हमें गिवन है, जो पूरा एक्सप्रेशन गिवन है, वो ए प्लस बी पावर फाइव प्लस ए माइनस बी पावर फाइव टाइप का गिवन है. जब हम इन दोनों को एक्सपांड करके ऐड करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होंगे. कैंसिलेशन वाले टर्म्स कौन से होंगे? 5c1, 5c3, 5c5, क्योंकि इन टर्म्स में यहाँ पे साइन आएगा माइनस. और जो 5c0, 5c2, 5c4 वाले टर्म्स हैं वो ट्वाइस हो जाएंगे. तो ये एक्सपांशन होगा टू टाइम्स ब्रैकेट में 5c0 एक्स पावर 5 प्लस 5c2 एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 का हो जाएगा स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म इज 5c4 एक्स पावर 1 रूट एक्स क्यूब माइनस 1, उसका पावर हो जाएगा यहाँ पे 4. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 1 एक्स पावर 5, 5c2, 5c2 का वैल्यू कितना होता है 10, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 1. 5c4 का वैल्यू हो जाएगा 5. ओके, तो दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स पावर 5 प्लस 10 एक्स पावर 6 माइनस 10 एक्स क्यूब प्लस, इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 6 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 1. 5x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 5x पावर 7 माइनस 10 एक्स पावर 4 प्लस 5x. अब हमें ऑड पावर, जो ऑड डिग्री के टर्म्स है उसके कोफिशिएंट्स का सम निकालना है. ऑड डिग्री के टर्म्स यहाँ पे है एक्स पावर 5, देन दिस 1 माइनस 10 माइनस 9 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 5 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा इसका 2. तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा नंबर 1. द सम ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स इज